Good morning, students. Now we discuss specific gravity of a substance. Specific gravity of a substance, देखो क्या है. This is the ratio of weight of any volume of that substance to the weight of an equal volume of some standard substance. Specific gravity क्या है? Weight of volume of a substance. ठीक है, टू द वेट ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस. देखो वेट अभी हमने फॉर्मूला लिखा था वेट का, W इज इक्वल टू वी रो जी. तो वेट ऑफ द वॉल्यूम वी रो जी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड सब्सटेंस मींस वी रो वन जी. अब स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो यहां वो कंसिडर कर रहे हैं वो क्या, देखो रो और रो वन दीज आर डेंसिटीज ऑफ अ सब्सटेंस. रो वन रो डेंसिटी है सब्सटेंस की और रो वन डेंसिटी है आपकी स्टैंडर्ड सब्सटेंस की, जो एक मतलब इसको हर जगह हम वही स्टैंड एक बेस बना लिया, एक स्टैंडर्ड ले लिया कि हम जब भी एक किससे कंपेयर करेंगे तो उस स्टैंडर्ड से ही हम कंपेयर करके चलेंगे हर चीज को. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस की स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में मीन्स क्या हो गई, रो बाय रो वन. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू दैट ऑफ अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ मियर नंबर, जस्ट अ नंबर आएगा, कोई इसके यूनिट्स नहीं है क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी आपका वॉल्यूम है, या डेंसिटी आप बोल सकते हो, ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी आपकी डेंसिटी है. ठीक है, इन जनरल इन केस ऑफ लिक्विड स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज प्योर वाटर. अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो जो हमारा स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो हमारा प्योर वाटर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे. और गैस के केसेस में, गैसेस के केसेस में अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन इज रिगार्डेड एज अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस. और सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि डेंसिटी जो है प्योर वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर सीसी होती है. सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर. देयरफॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टैंडर्ड सब्सटेंस की 1, पीछे हमने पढ़ा था ना 1, और FPS सिस्टम में हमने क्या पढ़ी थी 62.5. तो अगर हम यहाँ लिक्विड के केस में बात कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं प्योर वाटर की, तो CGS सिस्टम में वो आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा. मीन्स रो 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. नेक्स्ट है वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी. सब्सटेंस का वेट किस टर्म्स में, स्पेसिफिक ग्रेविटी की टर्म्स में. सपोज W ग्राम्स इज द वेट ऑफ अ सब्सटेंस when volume is v cubic centimeter and let s denotes the specific gravity of a substance, then by definition s this is equal to the weight of a volume v of the substance divided by weight of a volume v of a standard substance. to weight ye to direct humne w likh diya formula likhne ki bajaye, jaise humne upar to formula likha tha v rho g, yahan humne w likh diya. niche hum keh rahe hain weight of a volume of a standard substance jisko humne kya likha w into v. W क्या है यहाँ आपका, वेट पर यूनिट वॉल्यूम W, और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाएगा आपका, वेट आ जाएगा. क्लियर है इतना. स्मॉल W जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है. वेट पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ही बच जाएगा ना आपका स्टैंडर्ड सब्सटेंस का. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डब्ल्यू वी एस इज इक्वल टू W, मीन्स W की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वी एस स्मॉल W. स्मॉल W क्या है आपका, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस. ठीक है, ये जस्ट न्यूमेरिकल में यूज होंगे ये रिजल्ट्स आपके. नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मिक्सचर. मिक्सचर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, इफ वॉल्यूम्स V1, V2, Vn ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटीज S1, S2, Sn आर मिक्स्ड. अगर हम वॉल्यूम्स अलग अलग लिक्विड्स या फ्लूइड्स जिनका वॉल्यूम V1, V2 अप टू सो ऑन Vn है और स्पेसिफिक ग्रेविटी S1, S2, Sn उनको मिक्स कर दें, then to find the specific gravity of mixture, तो उस mixture की specific gravity हमें find out करनी है. Let S denote the specific gravity of mixture and V denotes the volume of the mixture. Then weight, W denotes the weight of the mixture. Then W is equal to, अभी हमने formula W का क्या पढ़ा था, W is equal to VSW, और then this small W represents the weight per unit volume of the standard substance. ठीक है, अब using the same formula वेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर. अब जो हमने अलग अलग सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट हमने वॉल्यूम्स के और डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के कंसिडर किए हैं उनके लिए अगर हम बात करें V1 मीन सब्सटेंस जिस जो इसका वॉल्यूम V1 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है, तो उसके लिए वेट अगर हम बात करें तो उसके लिए वेट क्या आ जाएगा, V1 S1 W, क्योंकि स्टैंडर्ड सब्सटेंस तो एक ही है ना जिसके बारे रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं. सेकेंड के लिए हो जाएगा V2 S2 W up to so on, nth के लिए हो जाएगा V n S n W. W
मीन्स सम ऑफ द वेट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर. टोटल वेट क्या होगा, जितने भी अलग अलग वेट्स हैं उन सबका सम, मीन्स V1S1W, V2S2W, up to so on VNSNW, W आ गया यहाँ से हमारा कॉमन. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दिस इज इक्वल टू इस W, W की वैल्यू रख दी, W की वैल्यू क्या थी, VS स्मॉल W. यहाँ से हमने कैपिटल S की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर की निकालनी थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिक्सचर की. तो क्या आ गया, V1S1 plus V2S2 up to so on VNSN divided by V. In case volume of the mixture is equal to sum of volumes of the constituents. अगर आपका मिक्सचर का वॉल्यूम, जो एक मिक्सचर बन गया अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स के सब्सटेंस को मिक्स करके जो उसका वॉल्यूम बना, और जो अलग अलग सब्सटेंसेस का वॉल्यूम्स था उनका सम, अगर वो इक्वल हो जाता है, तो उस केस में ये जो कैपिटल वी है ये क्या बन जाएगा आपका, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, मीन्स V1 plus V2 plus up to so on VN. And in case volume of the mixture is V dash say, then it is not equal to sum of the volumes of the constituents of the mixture. Or agar ye different aata hai, means jin substances ko humne mix kiya, unke volumes ka sum total mixture ke volume ke equal nahi hai, say wo V dash hai, toh humne wo likh diya. Now from 4 and 5, we get the required results. Hume kya chahiye tha? Hume to specific gravity chahiye thi. Mixture ki, wo specific gravity humne nikaal li. Next hai, if substances of weights W1, W2, up to so on WN of specific gravity are mixed. Pehle humne jo substances consider kiye the, wo different volumes and different specific gravity ke mix kiye the. Aur mixture ka hume specific gravity nikalni thi. Ab hum kya consider kar rahe hain? Substances of different weights and of different specific gravities. ko ke humne mix kiye hain aur us mixture ka hume kya find out karna hai? Specific gravity nikalni hai. Let V1, V2, VN denotes the volume of the constituents of the mixture. मान लीजिए ये जो है उनके volumes हैं, then ऊपर वाले article से W1 क्या बनेगा आपका? तो just formula ही हमारा, capital W हमारा क्या represent करता है? VSW represent करता है. तो यहाँ first के लिए V1 या S1, V1, small W जो है, this is the ये क्या represent कर रहे हैं आपका? Weight per unit volume of the standard substance. ये हर एक के लिए same रहेगा. ऐसे W2, W3 up to so on WN. यहाँ से हमने V1, V2, V3 up to so on VN निकाल लिए. Volume of the mixture, mixture का volume, this is equal to V1 plus V2 up to so on VN. ठीक है? अब हमने इस आर्टिकल में जो volume of the mixture, हमने V1 means जो हमारे अलग-अलग substance थे, उनके का जो volume था, उसका sum ही consider किया है. Means, यहां हमने क्या assume किया है कि there is no change in volume on mixing these substances of different volumes. कोई change नहीं है. तब volume of mixture हमारा क्या बन जाएगा? Sum of these volumes. तो V1, V2, VN का sum और इनकी values हमने यहाँ इसमें put कर दी, जो अभी हमने ऊपर calculate की है. And if S denotes the specific gravity of mixture, then W, capital W is equal to SV, small W. Because capital W क्या represent कर रहा था? आपका weight of the mixture. Or W1 plus W2 up to so on WN. This is equal to S into. Kya ban gaya ye? W1 by S1 plus W2 by S2 up to so on WN by SN. Jo bhi humne upar calculate kiya hai, 1 by W. Value rakh di V ki. Upar jo humne calculate kiya V ki value. Isko S se aur W se multiply kar diya. To ye hamara kya aa gaya? Ye hamara aa gaya sum of the weights. हमारा आ गया. अब हमें निकालना क्या था? स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? S, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? दिस इज द वेट ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस. ठीक है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉल्यूम मिक्सचर का, मींस W1 plus W2 up to so on WN डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस. तो वो क्या बन जाएगा? W1 by S1 plus W2 by S2 up to so on WN by SN. क्लियर है ये आर्टिकल? या आपने जस्ट रिजल्ट्स, अब इनके याद भी रखने हैं रिजल्ट्स भी, ताकि हम इनको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.